हाय नमस्कार। तो संडे 6 अक्टूबर तक आ चुका है और अभी तक MCC राउंड 3 का चॉइस लीग स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि टेक्निकली परसों लास्ट डेट होना था। ना अभी तक NRI कन्वर्जन के लिए ऑप्शन खुली है और ना ही सीट मैट्रिक्स आया है, और तीनों की वजह यह है कि फिर से 10 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुँच चुकी होगी, और यहीं पर मेरी थोड़ी नाराज़गी है कि बहुत जल्दी जल्दी कॉलेज खोले जा रहे हैं। सरकारी खोली बहुत अच्छी बात है, बट बिना किसी प्लानिंग के। और इस 10 में से 8 कॉलेज महाराष्ट्र में आए हैं, एक कॉलेज उत्तर प्रदेश में आया है, और एक कॉलेज उत्तराखंड में आया है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में आया है। तो बेसिकली वही, जो भी उत्तर प्रदेश तो खैर लगाए हुए कॉलेज खोलने में, और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं इस साल के एंड में, तो उसके लिए 8 नए कॉलेज। अब समस्या ये है, एक तो वो कॉलेज भी खैर आधे अधूरी तरीके से लॉन्च किए जाते हैं, जो मैं आपको कई लोगों को समझाता हूँ कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के आधे सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जो पढ़ने के लायक नहीं हैं, लेकिन क्या करें, सस्ते हैं, फ्री के भाव होते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ने जाते हैं। बट इसके अलावा अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, और कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं, तो उनको शायद, और बच्चा भी अच्छा स्कोर ले आया, बट स्टिल मैं हमेशा समझाता हूँ, यू कैन हैव अ रीथिंक टू इवन जॉइन अ प्राइवेट गुड कॉलेज लिविंग दी बैड एवरेज सरकारी कॉलेज। हैविंग सेड दैट, तो इस वजह से लेट हो रहा है क्योंकि फिर से MCC का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सेम जो राउंड 2 में हुआ था जब वो राजस्थान और UP के कॉलेज आ गए थे, तो फिर से MCC का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में ये जो 10 कॉलेज ऐड होने हैं इतना आसान नहीं होता। ऑफ कोर्स आप सबको दोबारा अपग्रेड वगैरह की ऑप्शन दी जाएगी, बट उस प्रोसेस की वजह से, और बीच में वीकेंड भी आ गया था, देखिए जो भी कोडर है वो आज काम करेगा। तो फिर से मेरा ये मानना है, ज़्यादा नहीं बट फिर से दो से तीन दिन मिनिमम डिले हर जगह होगा। सो फिर से जो चॉइस लीग 8 को होनी थी एज़ पर द ओरिजिनल शेड्यूल, और हम ये भी देखें, आज देख सकते हैं कि शायद वो रिवाइज शेड्यूल आ जाए। और जो उस टाइम हमें कहा गया था कि भाई 3 से चालू होना था राउंड 3, ताकि 11 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाए, और वो मेरे ख्याल से अब 3 के बदले प्रैक्टिकली स्पीकिंग 7 से स्टार्ट होगा, और उसके हिसाब से फिर वो 11 के बदले 14 जाएगा, और वही हम देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन का गैप। और फिर से इसका मतलब ये होगा कि जो लास्ट डे तो ज्वाइनिंग था, जो शायद 5 नवंबर पहले दिया गया था बिकॉज ऑफ शेड्यूल, वो और 4 दिन लेट हो जाए, और हम उसको उस संडे तक देखें जो कि 6, 13, 20, 27 तीन संडे था, तो बेसिकली 11 नवंबर, 8 नवंबर तक मुझे लगता है, क्या पता काउंसलिंग खींच जाए और उसके हिसाब से ही जो असली पढ़ाई है वो 11 नवंबर से शुरू होगी। लेकिन कई कॉलेजेस हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ ने तो आज से स्टार्ट कर दिया वाइट कोट सेरेमनी, कुछ अगले मंडे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ बच्चों को तो मिस हो जाएगा पहले 15-20 दिन का। ये जो एंटरटेनमेंट, और मैं आई वुड से एक्सपोजर जो होता है, एंटरटेनमेंट इज स्लाइटली बैड वर्ड, क्योंकि ये जो पहले महीना होता है इसमें आप एक दूसरे को जानते हो, नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले दिन जाइए। लेकिन अब क्या करें, वो डिले करते जा रहे हैं। तो फिर मेरी भी ये भी अपील है कि आप में से जिसको अगर अभी तक अच्छी सीट मिल गई है, मन की सीट मिल गई है, तो ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभार 19-21 से कॉलेज के फ़र्क में ये जो पहले 20 दिन ये अगर मिस हो जाएंगे तो ज़्यादा दुख होगा। तो क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड राउंड है वो और डिले होगा स्टेट्स का, और स्टेट्स जो हैं वो कम से कम 2 वीक बाद ही शुरू कर पाएंगे, मतलब थर्ड राउंड का जो आपका रिजल्ट हाथ में आएंगे, ज्वाइनिंग हाथ में होगी, अगर MCC ही इतना लेट चल रहा है तो फिर कम से कम मतलब 22-23 तक तो क्रॉस होगी। सो आपका 1-2 वीक का तो लॉस होगा ही होगा। ओके, सो देख लीजिए, बट डेफिनेटली सब डिले होगा फिर से, एंड आई थिंक कि फिर से शेड्यूल चेंज होगा, और कारण सिर्फ सिंपल है, ये जो 10 नए कॉलेज घुसाए गए हैं सरकारी, ऑल इंडिया कोटा में भी, महाराष्ट्र वालों को भी अपनी पूरी सॉफ्टवेयर चेंज करना है, इन 8 कॉलेजों को ऐड करना है, UP सरकार वालों को भी सॉफ्टवेयर चेंज करना है, कॉलेज को ऐड करना है, और उत्तराखंड को भी करना है, राइट। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 9 ईयर एंड ऑफ द काउंसलिंग, आई एम श्योर कि आप खुद या आपके पास काउंसलर्स एजेंट्स होंगे ही, फिर भी हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, 1 टाइम हेल्प, 5 तारीख की कॉल रहती है जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, मैं ही सारा कॉल अटेंड करता हूँ या बात करता हूँ। किसी को NRI सीट या बैंक गारंटी छुड़वाने वाली सीट, राजस्थान सीट चाहिए, देन यू कैन टेक अवर पैकेज, और वो हमारी जो फीस रहती है वो आप सभी जानते हैं 1.5 लाख रुपये रहती है। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। एंड हमारा नंबर फिर से 9643362320। बाय बाय।